नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। आइए दोस्तों, आज आरआरबी की जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो पहले बनाया था दोस्तों वो अंडर ग्रेजुएट के लिए था, आज जो बना रहे हैं वो ग्रेजुएट के लिए है। ये rrbapply.gov.in पर आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं तारीख के हिसाब से। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जो है 80 पेजों का नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये एम्प्लॉयमेंट नंबर है, नोटिस है, और ध्यान से इसको देखेंगे आप तो यहाँ पर लिखा है पॉपुलर कैटेगरी फॉर ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं एक्चुअल में, आज उनकी बात होने वाली है। तो दोस्तों ये पूरा कंटेंट बनाया गया है, हम मेन मेन जगह पर आते हैं। 14 तारीख से ये कहानी शुरू हो चुकी है और 13 तारीख की रात तक, अक्टूबर तक इसको भरा जाना है फॉर्म को। आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो जब खुलती है तो ये इतनी डेट के अंदर उसमें जो है काम होने वाला है दोस्तों। इसके बाद ये जो आप कैटेगरी देख रहे हैं, एप्लीकेशन जो इन्वाइट की गई हैं, एलिजिबल इंडियन नेशनल एंड अदर नेशनल इज ब्रॉट ऑन, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों ये बहुत अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल को अगर देखा जाए तो, और ये उनका बाइफरकेशन और उनका पे स्केल दे रखा है किस लेवल पर और किस स्टैंडर्ड के साथ, क्या मिनिमम एज निर्धारित है उनके लिए और क्या एप्लीकेबल है। टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं 8113 वैकेंसीज, इन सब में जो है मिलाकर आपको दी गई हैं दोस्तों। बाकी के नोटिफिकेशन सिमिलर होते हैं, आप जो भरते हैं या भरते आ रहे हैं या भरने वाले हैं उनको एग्ज़ाम में क्या क्या स्टेजेस होंगे ये तीसरे नंबर के पॉइंट पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा स्टेशन मास्टर के लिए, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा सीनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, फॉर गुड्स मैनेजर के लिए सीनियर कमर्शियल कम टेस्ट टिकट सुपरवाइजर। देयर शैल बी टू स्टेजेस, यहाँ पर CVT के ही दो स्टेजेस होने वाले हैं। कॉल लेटर किस प्रकार से आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग किस प्रकार से होगी, और ये छठे नंबर को पॉइंट को पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें होने वाली है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, एक तिहाई नंबर आपका काटा जाएगा गलत आंसर होने पर। ये जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कब फॉर्म भरना शुरू होगा, कब बंद होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से दस्तावेज लगाने हैं कौन से दस्तावेज नहीं लगाने हैं, पोस्टिंग कहां पर होगी, ये सब आप इस नोटिफिकेशन में जो है दोस्तों प्रॉपर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन मैंने कहाँ से निकाला है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जो फॉलो किया जाता है अलग अलग पोस्टों के लिए, तो आपका जो भी विजन होता है और जो भी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है उसके मापदंड आप जो है यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। सिटीजनशिप कहाँ कहाँ हो सकती है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एज लिमिट किसको किस कैटेगरी को कितनी दी गई है वो सब यहाँ कॉमन फैक्टर है, आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं आप ध्यानपूर्वक उसको जो है पढ़ सकते हैं। ये कैंडिडेट की कैटेगरी में कितनी फ़ीस किसको लगनी है, किस प्रकार से आप जब फॉर्म भरेंगे तो किसको कितना फ़ीस लगेगा, और ये जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट्स आर दोज हूज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस देन 50,000, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कुछ अलग अलग चीज़ें अलग अलग रिजर्वेशंस के लोगों के लिए होती हैं। हम इस पर अभी यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर, जैसे ही ये कैटेगरीज जो है फ्री हो जाएंगी और जो कॉमन सी चीज़ें हैं, मैं इसमें आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप पहली बार किसी नोटिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं इन इस प्रकार के बोल्ड लेटर्स को ज़रूर पढ़िए। ये बोल्ड इसलिए किया जाता है ताकि आपका ध्यान जो है अलग से इन पॉइंट्स पर चला जाए, क्योंकि इतनी बड़ी PDF ज़्यादातर नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन बोल्ड लेटर्स जो है आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए दोस्तों। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में ये कॉमन है, सारे नोटिफाइड पोस्ट के लिए ये कॉमन है। 90 मिनट की परीक्षा होगी, एक नंबर का क्वेश्चन होगा, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं, मैथमेटिक्स के 30 हैं, इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 हैं, टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 100। नेगेटिव मार्किंग है एक तिहाई, एक घंटा 20 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटे की परीक्षा यहाँ पर लिखी है, और ये है उनके लिए जो PWD कैंडिडेट्स हैं और जिनके साथ स्क्राइब आते हैं मदद करने के लिए। जनरली ये पेपर
मात्र 90 मिनट का होने वाला है। फिर दोस्तों अगर आप पास हो जाते हैं तो जो सेकंड लिस्ट होगी उसके लिए आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। सेकंड लिस्ट में आप ये परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं, क्या कितने नंबर का आएगा, जनरल अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये सिलेबस के वो टॉपिक दे रखे हैं जो मैथमेटिक्स और इनके अंदर से क्या क्या अक्सर पूछा जाता है और प्रॉपर आपको दिखा रखा है यहाँ पर। ये मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी है अलग अलग रिजर्वेशन श्रेणी में जहाँ जहाँ आप आते हैं उनके लिए। देन टाइपिंग स्किल टेस्ट यहाँ पर सब बताया गया है, आपको किस प्रकार से किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है, कितना आपका स्पीड होना चाहिए, कितने वर्ड्स आपको हिंदी अंग्रेजी में टाइप करने हैं, ये सब आप जो है देख सकते हैं यहाँ से। देन दोस्तों ये पोस्ट में दिखा रखा है किसके लिए कौन सी पोस्ट है, टाइपिंग टेस्ट किसको देना है किसको नहीं देना है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड किसको देना है किसको नहीं देना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, अप्लाई कैसे करना है, ये फ़ोटोज़ लगानी है, सिग्नेचर लगाना है, ये सभी जो है आप इसके अंदर देख पाएंगे। दोस्तों एक आखिरी में यहाँ पर दे रखा होगा कि जितने जोन हैं रेलवे के उन जोन्स में कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, ये एब्रीविएशंस हैं, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं उनमें लगाए जाने वाले फॉर्म्स के बारे में बताया है, उनके फॉर्मेट जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। हम बहरहाल चलते हैं जो लास्ट में यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए ध्यान से देखिए अहमदाबाद, और नीचे आ जाइए अजमेर, जितने भी बेंगलुरु, ये जो भी रेलवे के ऑफिशियल ऑफिसेस हैं आरआरबी भोपाल, यहाँ पर प्रॉपर पोस्ट दे रखी हैं किस चीज़ के लिए कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं। टोटल 155 पोस्ट यहाँ दिखा रहा है भोपाल के लिए। ये आप जिस भी इलाके से आते हैं उसमें जो है चेक कर सकते हैं, और ये ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि अक्सर अनुभव लिया गया है आप फॉर्म वहाँ से भरें जहाँ पर सीट ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप कम सीट वाली जगह से भरेंगे तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और कंपटीशन ज़्यादा हो जाने के कारण दिक्कत ये होती है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं हो पाता है। इसलिए ध्यान में रखते हुए कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, देखिए कोलकाता में कितनी वैकेंसीज़ हैं, अगर आप कंपेयर करें भोपाल से जहाँ 155 थी, यहाँ पर 1382 पोस्ट कोलकाता आरआरबी ऑफिस में है। तो ये वरी करता है अलग अलग स्टेशंस पर ऑफिसेस पर कहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पर 145 है, तो आप अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए और सारी चीज़ें समझ लीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो मेरे द्वारा बताया गया और आपको समझ में नहीं आया, या कोई पर्टिकुलर पार्ट है इस नोटिफिकेशन का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं प्रॉपर उस फ्रेज़ को पढ़ के आपको उसका मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर कुछ दिनों में देखने आ रहा है कि नोटिफिकेशन जो है हमेशा इंग्लिश में ही आते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ हमारी अथॉरिटीज़ को और जो हेड होते हैं उनको करना चाहिए। अगर ये नोटिफिकेशंस हिंदी में निकलने लगें तो हमारे कई सारे साथियों को बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है काफ़ी सारे ग्रेड्स की पोस्ट में अब इंटरव्यू जैसी चीज़ हटा दी गई है, क्योंकि वहाँ पर यही समस्या होती थी। तो अगर ये सारी चीज़ें हिंदी में भी पब्लिश होने लगेंगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।